कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले। ऐ नाराजगी कागजी सारी तेरी, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, दिल दियां गल्लां सच्चियां मोहब्बतां निभाके। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के। सच्चियां मोहब्बतां छुपा के रखा कदे सजा के, तू है मेरी वफा रख अपना बना के। मैं तेरे लिए यार तेरे लिए यार ना पावी कदी दूरियां, मैं जीना हाँ तेरा मैं जीना हाँ तेरा हाय, माय नेम इज अक्षय एंड आई वेलकम यू टू माय गिटार मेथड। आई रियली होप आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक नया गाना, नया कंपैरेटिवली नया बोल सकते हैं, नया गाना लेके आए हैं एज ए लेसन। पिछले गाने को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब से आपके लिए सरप्राइज हर वीक कुछ ना कुछ आता भी रहेगा एक्स्ट्रा इस सॉन्ग लेसन के अलावा। तो अब ऐसे सिर्फ सैटरडे का वेट करके मत रहिएगा, आप किसी भी दिन कुछ भी मिल सकता है आपको। तो आज का जो गाना है वो है दिल दिया गल्ला, प्रिटी फेमस गाना आई वुड से। और इस गाने का जो कंपोज़र है, इस गाने के जो कंपोज़र है वो है विशाल शेखर। इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने और इस गाने के सिंगिंग जो स्टार हैं वो हैं आतिफ असलम। तो आतिफ असलम का गाना है और अच्छा खासा हिट गाना था, तो हमें लगा कि ये गाना एज ए लेसन करना चाहिए। उसके अलावा काफ़ी हम लोगों को रिक्वेस्ट भी आई थी कमेंट्स के थ्रू। देखिए, जो भी गाना आपको करवाना है, आप चाहते हैं कि उसका लेसन होना चाहिए, हम लोग का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, बट नो डाउट सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है कि कितने लोगों ने आज तक उसकी डिमांड की है। एक ही जना अगर 10 बार वो करेगा ना कमेंट, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, एक ही गाने के हमें अगर 10 अलग अलग लोगों से कमेंट मिलते हैं तो हमें लगता है कि ये गाना एक बार देखा जाना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आप अपना गाना साथ साथ में लिख सकते हैं कमेंट्स में। मे बी जिस दिन हमें लगेगा कि हाँ इनफ लोग इंटरेस्टेड हैं इस गाने को सीखने में, हम वो गाना स्टार्ट करें। गाने का जो स्केल है वो हमने ओरिजिनल स्केल ही यूज़ किया है, तो आप चाहें तो उसको ओरिजिनल गाने के साथ भी प्ले करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्टली गाना ओपन कॉर्ड्स पे है, और फिर भी अगर कोई डाउट रहे कॉर्ड्स या लीड्स या फिर रिदम को लेके, स्ट्रमिंग को लेके, तो आप क्या करेंगे, आप सैटरडे या संडे दोनों में से कोई एक दिन मैं लाइव सेशन लेता हूँ इंस्टाग्राम पे, फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं लगता है उसका, आप अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, चलो। इस गाने का जो स्केल है वो डी मेजर स्केल है, और जो कॉर्ड्स हमने ज़्यादातर यूज़ किए हैं वो ओपन कॉर्ड्स ही हैं, तो कॉर्ड्स की डिफ़िकल्टी के हिसाब से ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब डी मेजर स्केल को अगर मैं वर्ड टू सॉरी नोट टू नोट बताऊं तो इट विल बी डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी। ओके, तो ये डी मेजर स्केल होता है।
अब कॉर्ड्स की बात की जाए तो पहला कॉर्ड जहां से गाना स्टार्ट हो रहा है दैट इज डी मेजर कॉर्ड, वन ऑफ द इजीएस्ट कॉर्ड आई वुड से, जो पहले 2-3 महीने में हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट कॉर्ड जो है वो एक बार कॉर्ड हो सकता है, इट इज टोटली अप टू यू, इफ यू वॉन्ट यू कैन प्ले द बी माइनर कॉर्ड लाइक दिस, और इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज द बार ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड इज जी ओपन और जी मेजर कॉर्ड जिसको हम कहते हैं, दिस इज हाउ यू प्ले जी ओपन कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड इज ए मेजर कॉर्ड और लास्ट कॉर्ड जो हमने थोड़ा थोड़ा यूज किया है कभी कभी वो है ई माइनर कॉर्ड। तो देखा जाए, बोला था मैं बहुत बेसिक से कॉर्ड है, ठीक है, तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा टफ वाला सिचुएशन है नहीं। थोड़ा और प्रिसीजन के साथ जाएंगे तो डी में ध्यान रखना है कि ऊपर की 2 स्ट्रिंग नहीं बजे, नीचे की 4 बजनी चाहिए। बी माइनर में अगर विदाउट बार कर रहे हैं तो भी नीचे की 4 स्ट्रिंग लेनी है, अगर विद बार कर रहे हैं तो 5 स्ट्रिंग बजा सकते हैं। जी में पूरे 6 स्ट्रिंग बजेंगे, ई माइनर में पूरे 6 स्ट्रिंग बजेंगे और ए में 5 स्ट्रिंग बजेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई गाना आप स्टार्ट करें हाउ यू शुड अप्रोच इट, फर्स्ट पहले कॉर्ड्स क्लैरिटी का प्रैक्टिस करना होता है कि आप हर कॉर्ड को अलग अलग लगा के कंफर्म कर रहे हैं कि जितनी बार भी आपने वो कॉर्ड लगाया यू आर गेटिंग ए क्लीन साउंड, कोई म्यूट नहीं होना चाहिए, कोई बज नहीं होना चाहिए। देन जब आपको लगे कि ये लेवल आ चुका है कि आप कोई भी कॉर्ड लगा पा रहे हैं, इजिली शिफ्ट कर पा रहे हैं एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड में, देन यू शुड गो फॉर द रिदम और स्ट्रमिंग पैटर्न जिसकी बात अब हम करेंगे। अब स्ट्रमिंग की बात करते हैं, तो स्ट्रमिंग के लिए अगर मैं वन ऑप्शन दूँ आपको कि बस वो ट्राई कर लो तो हो जाएगा काम, जो मैंने प्ले थ्रू में यूज नहीं किया है, दैट इज डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप, बट हमें लगा कि यार बार बार हम यही प्ले करते हैं, कुछ नया होना चाहिए। तो देर आर टू वेरिएशंस ऑफ सिमिलर पैटर्न जो मैंने इस गाने में प्ले किया है। एक बार पहले से स्टार्ट करते हैं, इट साउंड्स लाइक दिस, ठीक है। अब अगर मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करूं स्टेप के हिसाब से, तो व्हाट आई एम डूइंग, डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन डाउन। अब इसमें भी थोड़ा सा और एडवांस करना हो तो आप बीच में चक या म्यूट का यूज कर सकते हैं। तो जो स्ट्रमिंग बटन आपको लिखा हुआ दिख रहा है उसमें जो एक पर्टिकुलर डाउन है जिसको हमें चक करना है उसके नीचे क्रॉस आ गया, अब वो वाला जो डाउन है आप एज अ चक प्ले करेंगे। सो डाउन अप चक अप डाउन 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 और जो लास्ट के 2 डाउन हैं उनको भी आप म्यूट कर सकते हैं एंड इट विल साउंड, अब जो लास्ट के 2 डाउन हैं उनको म्यूट करने के लिए आई एम यूजिंग द लेफ्ट हैंड, मैं ये वाला म्यूट नहीं कर रहा हूँ, चक के साथ म्यूट नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ नॉर्मल म्यूट, आई एम हिटिंग द स्ट्रिंग जो मैं प्रेस करता हूँ, बट मैंने यहाँ से प्रॉपरली प्रेस ना करके उसको हल्का सा लूज छोड़ा हुआ जिससे कि आई एम नॉट गेटिंग दिस साउंड। तो दिस इज हाउ यू प्ले डाउन अप डाउन अप डाउन। ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्ट्रमिंग पैटर्न जो हम गाने में वेरिएशन में यूज कर रहे हैं, दिस साउंड्स लाइक, तो हमने क्या किया, डाउन देन अप डाउन अप, ओके, डाउन अप 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 डाउन अप। अब इसमें चक्स का बहुत ज्यादा यूज है, सो व्हाट विल डू, डाउन अप चक up chuck up chuck up down up chuck up chuck up chuck up, ठीक है। थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं आप लोग के लिए या थोड़े से ऑकवर्ड हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका गाना बिगड़ रहा है, आप सही से नहीं बजा पा रहे हैं इन स्ट्रमिंग पैटर्न्स की वजह से, तो डोंट ट्राई देम, जस्ट गो, यू कैन प्ले दैट, है ना, दिस कैन बी अप्लाइड इन द सॉन्ग। तो ये 2 स्ट्रमिंग पैटर्न्स हैं जो आपको ढंग से समझ के सुन के करने हैं और ये एक नया एक्सपीरियंस हो सकता है आप लोग के लिए, एक नई चीज़ जो आपने सीखी बिसाइड्स कॉर्ड्स, कॉर्ड्स तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं ये वाले जो हम करते हैं, बट ये जो स्ट्रमिंग पैटर्न है ये एक तरीके से नया पार्ट हो सकता है। तो ट्राई इट आउट, और ये जो कम्युनिकेशन है ना वो ज़रूरी है, 2-वे कम्युनिकेशन की बात मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपके कमेंट्स हैं जिनके थ्रू हमें ये कम्युनिकेशन होता है, तो और यहाँ पे बात भी गल्ला गल्ला की हो रही है, गल्ला है ना, दिल दिया गल्ला। तो आज का जो वर्ड है वो हम लिख सकते हैं #MGM #गल्ला, ठीक है, या फिर अगर इतनी पंजाबी अच्छी नहीं लग रही तो आप #MGM #communication,
ये भी चलेगा, पर कम्युनिकेशन इतना बड़ा स्पेलिंग लिखोगे उससे बढ़िया GALLA गल्ला ही चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं और ये गाना प्ले करते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि गाने में कहाँ कैसे कॉर्ड आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले स्टार्ट होता है वर्स, दो लाइन का वर्स है। इट गोज लाइक, मैंने सिंगल स्ट्रम्स ही ली हैं, आप प्रॉपर स्ट्रमिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द पिकअप नोट डी। ओके, कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले। तो मैंने क्या किया, कच्ची डोरियों डोरियों के डो पे डी लगाया। कच्ची डोरियों 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 से, तीसरा जो डोरियों है उसके डो पे आएगा बी माइनर। मैनू तू, तू पे आएगा जी। मैनू तू बांध ले, ले के ऑलमोस्ट एंड में आएगा ए। पक्की यारियों, पहला पक्की या पे आएगा डी। पक्की यारियों 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 में, तीसरा यारियों के पहले या पे आएगा बी माइनर। हुंदे ना पे आएगा जी। हुंदे ना फासले, ठीक है। अब जो दो लाइन है वो हुई प्री कोरस। ये नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी। तो क्या किया, ये नाराजगी, नाराजगी के रा पे बी माइनर आना चाहिए। ये नाराजगी कागजी सारी, सारी के सा पे ए। सारी तेरी मेरे सोनिया, सोनिया के सो पे जी। सोनिया सुन ले मेरी, मेरी पे ए। दिल दिया कोरस आ गया है। अब दिल दिया गल्ला, गल्ला पे डी। दिल दिया गल्ला करांगे रोज रोज बैके, अख नाल अख नू मिला के। तो क्या किया, दिल दिया गल्ला पे डी। करांगे रोज रोज, दूसरा जो रोज है उस पे आएगा बी माइनर। रोज रोज बैके, तो फिर आएगा ए जी ए। ए और जी आधे हैं, मतलब दिल दिया गल्ला करांगे रोज रोज बैके। अख, अख पे पहले अख पे आया ए। अख नाल अख, दूसरे अख पे आएगा जी। अख नाल अख नू मिला के, मिला पे आ जाएगा ए आ गया। ठीक है, इसमें जी ए और जी जो है इससे पहले वाला वो आधा आधा था, मतलब दो दो काउंट का ही था। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, 1 2 1 2, 1 2 3 4। ओके, देन पोस्ट कोरस, मतलब ये आइडियल सॉन्ग स्ट्रक्चर हुआ ही, पहले वर्स फिर प्री कोरस फिर कोरस एंड देन पोस्ट कोरस। सो वी सैंग तू जीना है मेरा, तू मरना है मेरा, रख ले तेरा जरा जरा। सॉरी, यहाँ का लिरिक्स मैं भूल गया, मैंने कोशिश की थी याद करने की बट स्लिप हो गया। तो बी माइनर, देन ए, जी, देन ए, देन दिल दिया गल्ला अगेन रिपीट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसफर होते हैं या फिर आगे मूव करते हैं सेकंड वर्स में। तेनू अखा दे छुपा के, तेनू लखा ने छुपा के रखा, अखा दे सजा के तू है मेरी वफा। रख अपना बना के मैं तेरे लिया, तेरे लिया यारा, ना जावे कदी क्या किया, तेनू लखा पे आएगा डी। तेनू लखा दे छुपा के रखा, अखा पे ए, ठाके तू है मेरी, मेरी पे जी, तू है मेरी वफा। रख अपना पे ईमन, अपना बना के मैं तेरे लिया जी, मैं तेरे लिया, तेरे लिया यारा, ए ना पावे कद।
देन वो सेम पोस्ट कोरस नहीं प्री कोरस ना 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 चलो भी ज्यादा है ना 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 तरीके से आप आगे तक गाना प्ले कर सकते हैं। आई रियली होप कि गाना समझ में आया हो आपके। इतना डिफिकल्ट सॉन्ग नहीं है, सिंगिंग के हिसाब से थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, नो डाउट। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ये गाना सही स्केल में नहीं है, आपके लिए हाई हो रहा है, तो आप इसको सी पे ट्रांसपोज करेंगे। तो अगर आप सी पे ट्रांसपोज करेंगे तो आपके कॉर्ड्स इस तरीके से होंगे जो आपको टेबल में दिखाई दे रहे हैं। लाइक डी मेजर जो बन जाएगा वो है सी, है सी में तब्दील हो जाएगा। जो हमारा बी माइनर है वो ए माइनर बन जाएगा, जो हमारा जी है वो एफ बन जाएगा, और हमारा जो ए है वो जी बन जाएगा। तो इजी ट्रांजिशन है, स्मूथ ट्रांजिशन है। इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई इट आउट, ठीक है, अगर ये गाना ऊंचा लग रहा है तो। वैसे इतना ज़्यादा पिच के हिसाब से चैलेंजिंग नहीं है, बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये गाना अच्छे से पसंद आया होगा और आपने अच्छे से इसको सीखा होगा। अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट्स के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं, और आपके कमेंट्स जो हैं वो एक पॉजिटिविटी देते हैं हमें कि भाई जो भी हम एफर्ट कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो वर्थ है। तो इसलिए एक थोड़ा सा एफर्ट और आपकी तरफ से यही चाहिए कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए फ्रूटफुल है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइए, है ना। अगर कोई सुझाव है आपका कि जिससे हम और बेटर कर सकते हैं चीज़ें, तो वो भी हम लोग ट्राई ज़रूर से करेंगे, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे हम लोग लाइव मिल सकते हैं, माई गिटार मेथड्स इज़ माई हैंडल। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप इन लेसन्स को अपने स्टेटस पे एक बार शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि और लोगों आपके टच में कुछ और कोई और लोग होंगे तो वो भी चेकआउट करेंगे कि अच्छा इस टाइप के गिटार लेसन्स भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यू नो बिकॉज सब्सक्राइबिंग वगैरह तो मुझे पता है आप लोग अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द रिस्पेक्ट ऑल्सो दैट आई गेट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, सो थैंक यू वेरी मच। बट उसके साथ साथ अब हमें सीखना भी है और अच्छा बजाना भी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।